बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, ये कक्षा 11वीं का हम ऑर्गेनिक रसायन है ना, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये रसायन शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है बच्चों। आज इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, ताकि आप ऑर्गेनिक को समझ पाओ, इनकी रिएक्शंस को आप समझ पाओ, आज की क्लास में मैं वो आपके सामने लेने वाला हूँ। तो कुछ प्रमुखता से चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले उनके बारे में समझिए। तो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक मैं बच्चों के सामने रखता हूँ, वो टॉपिक मैं रखता हूँ कुछ अंकों को लेकर। इन अंकों से आपको परिचित करा देता हूँ। अंक बिल्कुल जाने पहचाने हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चों ये 1 to 10 कुछ डिजिट्स मैंने लिखे हुए हैं, अंक मैंने लिखे हुए हैं। बच्चों इन अंकों को हमको क्या करना है, इन अंकों को हमको बहुत अच्छे से याद रखना है जर्मन भाषा में, ठीक है। जर्मन शब्दावली के अनुसार, जैसे बच्चों एक है तो एक को हम बोलते हैं मोनो, बच्चों दो के लिए प्रयोग किया जाता है डाई, तीन के लिए प्रयोग किया जाएगा ट्राई, चार के लिए प्रयोग किया जाएगा टेट्रा, पांच के लिए प्रयोग किया जाएगा पेंटा, छः के लिए प्रयोग किया जाएगा हेक्सा, सात के लिए प्रयोग किया जाएगा हेप्टा, आठ के लिए प्रयोग किया जाएगा बच्चों ऑक्टा, नौ के लिए प्रयोग किया जाएगा नोना, और बच्चों दस के लिए प्रयोग किया जाएगा टेका, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरह से मैंने आपको कुछ अंकों की एक शब्दावली है जो मैंने आपके सामने रखा। मैं एक बार जस्ट रिकॉल करता हूँ। मैंने आपको बताया बच्चों कि वन को हम बोल रहे हैं मोनो, टू के लिए हमने लिखा डाई, थ्री के लिए बच्चों हमने लिखा ट्राई, फोर के लिए हमने लिखा टेट्रा, फाइव के लिए हमने लिखा पेंटा, सिक्स के लिए हमने लिखा हेक्सा, सेवन के लिए लिखा हमने हेप्टा, एट के लिए बेटा हमने लिखा ऑक्टा, नाइन के लिए लिखा नोना, और टेन के लिए लिखा हमने टेका, ठीक है। बच्चों इस पूरी सेगमेंट में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है पूर्व लग्न। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, पूर्व लग्न। बच्चों ये जो पूर्व लग्न है, बहुत सारी पुस्तकों में इसको एल्क के नाम से भी परिभाषित किया गया होता है। दरअसल ये जो एल्क है, ये क्या करता है बेटा, ये जो भी आपका यौगिक होगा ना, तो यौगिक में हमको कार्बन की संख्या, ठीक है, कार्बन की संख्या को, या मैं बोल दूं कार्बन की संख्या की क्या करता है, जानकारी देता है, ठीक है बच्चों। अब ये जानकारी कैसे आपको प्राप्त होगी, ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैंने आपको बताया दूसरा टॉपिक मेरा है पूर्व लग्न, जिसको मैंने एल्क के रूप में लिया, और मैंने आपसे ये बात रखी कि जो पूर्व लग्न है एल्क, वो यौगिक में हमको कार्बन के संदर्भ में, कार्बन की कुल संख्या के बारे में जानकारी देता है बच्चों। जैसे कि मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। बच्चों ये कुछ मैंने नंबर्स आपके सामने रिटर्न किए हैं, जिनके जो कि कार्बन की एक संख्या के साथ संलग्न है। जैसे C1, C1 का सिंपल सा मतलब है कि वहां पर केवल एक कार्बन का परमाणु है। अगर C2 है, इसका मतलब उसमें दो कार्बन के परमाणु हैं। C3 है, मतलब उसमें तीन कार्बन के परमाणु हैं। C4 है, मतलब उसमें चार कार्बन के परमाणु हैं। इसी तरह से अगर वो C10 है, तो उसमें 10 कार्बन के परमाणु हैं। उनके बीच का बंध क्या होगा, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अभी हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कार्बन के सामने जो नंबर इंडिकेट किया गया है, ठीक है ना, उस नंबर के अकॉर्डिंग उसमें कार्बन परमाणु मौजूद है। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने आपसे पूछा और मैंने आपसे बोला कि हम पूर्व लग्न यानी एल्क को लेकर उनकी स्टडी कर रहे हैं, और ये हमको जानकारी देता है यौगिक में बच्चों कार्बन की संख्या की,
तो मैंने आपके सामने लिखा C1। बच्चों हम C1 को कहते हैं मेथ, बच्चों C2 को कहते हैं C2 को हम बोलते हैं एथ, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो C2 को हम बोल रहे हैं एथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। और तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने बोला C1 को हमने मेथ बोला, C2 को हम बोल रहे हैं बच्चों एथ, ठीक है? C3 को हम बोल रहे हैं प्रोप, बच्चों C4 को हम कहते हैं ब्यूट, इसी तरह से C5 को पेंट, C6 को बच्चों कहते हैं हेग्स, C7 को कहा जाता है हेप्ट, और C8 को बच्चों हम कहते हैं ऑक्ट, C9 को नोन, और इसी तरह से बच्चों C10 को हम कहते हैं टैक। अगर हम दोनों अंक और अपने पूर्व लग्न का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि इसके प्रथम जो 4 है ना, 1, 2, 3 और 4, मैंने इसको एक को कहा मोनो, दो को बोला डाई, तीन को बोला ट्राई, चार को बोला टेट्रा, पांच में पेंटा। तो सिर्फ ये जो मात्रा है वो यहां पर पांच में जाकर देखिए क्या हो गई, रिमूव हो गई। पेंटा ना बोलकर मैं C5 को क्या बोल रहा हूँ, पेंट बोल रहा हूँ, और उसके बाद का पूरा फिर केवल मात्रा जो है वो रिमूव होते जा रही है। C6 को हमने हेक्स कह दिया ना, तो इन दोनों में ये एक थोड़ा सा सिमिलरिटीज है और उनमें एक डिसिमिलरिटीज भी है जिसको आप समझ पाओगे। अब बच्चों इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने आपको सबसे पहले क्यों बताया, बच्चों ये इसलिए महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक का आधार रखने के लिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि मैंने आपके सामने रखा हुआ है। बच्चों इस पूरे टॉपिक में मैं आपके सामने अब आपका टॉपिक प्रमुखता से आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो टॉपिक आपके सामने आएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बच्चों हम सबसे पहले टॉपिक लेके चल रहे हैं हाइड्रो कार्बन। बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन की। मैं आपको बताना चाहता हूं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कक्षा 10वीं या कक्षा 9वीं में बच्चों है ना, आपने हाइड्रोकार्बन के रूप में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके बारे में आपने बहुत सारा पढ़ रखा हुआ है। तो बच्चों उसी टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आ गई हूं, हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। यहां पर एक जो पार्ट आपके सामने आ रहा है बच्चों वो है हाइड्रो, और दूसरा आ रहा है कार्बन। तो बच्चों यहां पे हाई मीनिंग होती है, और वो मीनिंग होती है हाइड्रोजन। हाइड्रो को हमने पूरा क्या बता दिया आपको, हाइड्रोजन, और कार्बन बच्चों कार्बन ही होता है, ठीक है? तो मैं अब आपसे कह रहा हूं हाइड्रोजन प्लस कार्बन के योग से, के योग से बना जो यौगिक है, ठीक है? तो उस यौगिक को बच्चों हम क्या कह रहे हैं, उस यौगिक को हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन की एक बहुत साधारण सी डेफिनेशन है। बच्चों हमने कहा कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन के योग से निर्मित जो यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं बच्चों। पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रमुखता से रख रहा हूं, अगर मैं दो कार्बन को, ठीक है, 4H2 के साथ अगर केमिकली रिएक्ट कराऊं, तो बच्चों इनसे 2CH4 एक कंपाउंड बन जाएगा जो कि मीथेन होगा। तो यहां पर ये जो मीथेन बना आप देख सकते हैं कि वो किसके संयोग से बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना हुआ है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बच्चों इसी तरह से कुछ एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेता हूं मैं। यदि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल डायरेक्टली रिटर्न करके दिखा दूं, जैसे कि C2H6, ये भी बच्चों एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? मैं आपके सामने लिख दूं C6H6, ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। मैं आपके सामने लिख दूं, ठीक है, C3H8, बच्चों ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से एक अच्छी खासी हम पूरी तालिका यहां पर क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप आगे अभी देखेंगे भी। बच्चों मैं आपको बता दूं यहां पर जो C2H4 है ये इथेन है, C6H6 ये बेंजीन है, C3H8 ये प्रोपेन है, ठीक है? तो इस तरह की ये सभी कंपाउंड जो है बच्चों ये हमारे हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आ जाते हैं।
कुछ और भी चीजें आपको बताना है मुझे, जैसे यहाँ पर एक थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बच्चों C2H5OH। तो बच्चों ये जो एक कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल, है ना, ये इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त यहाँ पर कौन भी सम्मिलित है बच्चों, ऑक्सीजन भी सम्मिलित है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हाइड्रोकार्बन परफेक्ट नहीं होंगे, ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स यानी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यौगिक की श्रेणी में आएंगे। तो बच्चों इसी अध्याय में ये सारी चीजें हमको पढ़ना भी है, तो आप समय के साथ इनको समझते चलेंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम अपने टॉपिक पर, देखिएगा बच्चों टॉपिक मैंने आपके सामने अभी हाइड्रोकार्बन टॉपिक लिया है और मैंने आपको पूरा हाइड्रोकार्बन का एक डेफिनेशन अभी मैंने आपके सामने रखा। ठीक, मैं यहां पर बात कर रहा हूं बच्चों आपके साथ हाइड्रोकार्बन के प्रकार की। हाइड्रो कार्बन के प्रकार बच्चों बहुत अच्छे से याद रखिए, साधारणतः जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन में एक हमारे पास होते हैं सममित इसका थोड़ा सा सममित ना बोलकर हम इसको बोलते हैं बच्चों यहां पर सिमेट्रिकल। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ ला रहा हूं। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार में सबसे पहला है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों। दूसरा हमारे पास जो महत्वपूर्ण है वो है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों हमारे पास ये साधारणतः दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम एक उदाहरण आपके साथ लेकर चलेंगे और वो उदाहरण होगा किसका, एल्केन के रूप में। हम देखेंगे कि एल्केन जो है वो एक तरह के संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखे जाएंगे, तो हम पूरे एल्केन के संदर्भ में डिटेल से बातें जानेंगे और एल्केन की जानकारी लेंगे बच्चों। इसके अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः दो श्रेणियों में रखा गया है। इसकी पहली श्रेणी में मैं एक उदाहरण ले लेता हूं और वो उदाहरण है बेटा एल्कीन के रूप में। ठीक है, एल्कीन, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है एल्काइन। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जब हम हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे वर्गीकरण कर रहे हैं तो मैंने बहुत संक्षिप्त में इसका वर्गीकरण किया हुआ है। हाइड्रोकार्बन के मैंने आपको दो प्रकार बताए हैं। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार में सबसे जो पहला प्रकार है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका दूसरा जो मैंने आपके सामने प्रकार रखा बच्चों वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर मैंने आपको बताया संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम केवल एल्कीन के संदर्भ में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम दो उदाहरण की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे एल्कीन की और दूसरा हम बात करेंगे किसकी, एल्काइन की। बच्चों ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, मैं सबसे पहले आपके साथ एल्कीन जो हमारा टॉपिक है वो मैं लेने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से और समझिए। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आ रहा है एल्केन, जो कि एक हाइड्रोकार्बन भी है। एल्केन बच्चों मैं यहां पर आपको सबसे पहले एल्केन का सामान्य सूत्र बता देता हूं, सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला। तो बच्चों इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 ये बच्चों हमारे पास एल्केन का सामान्य सूत्र है, उसका एक जनरल फार्मूला है, जहां पर हम n के किसी भी मान के लिए एक संगत एल्केन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या निर्मित कर सकते हैं, या हम उसका सूत्र लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे उससे पहले मैं इसके लिए आपको कुछ और भी जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले अब मैं यहां पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बेटा, वो है उसकी पहचान, कि हम एल्केन को पहचानेंगे कैसे। बच्चों एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा
हमको एकल बंध दिखाई देगा, ठीक है, यानी हमको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी हमको हमेशा एकल बंध दिखाई देगा। तो बच्चों इस तरह से ये हमारी क्या हो जाती है, एल्केन की पहचान हो जाती है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इसका IUPAC, ठीक है, यहाँ पर इसका जो पूरा नाम है वो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। यहाँ पर IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको संक्षिप्त में कहते हैं। ये बेटा एक संस्था है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो भी आपके केमिस्ट्री में हम कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं उनके संदर्भ में वो कैसे बने, उनकी जो भी एक जानकारी है या उनके क्या नियम होते हैं उनको पढ़ने के, ये सारे नियमों को पब्लिश करते हैं। तो बच्चों ये IUPAC के अकॉर्डिंग हम IUPAC अनुलग्न की बात करेंगे, ठीक है ना, की बात करेंगे। तो आप याद रखिए बच्चों कि एल्केन का जो IUPAC अनुलग्न है वो क्या होता है, एन होता है। इसका मतलब ये हुआ, साधारण शब्दों में आपको मैं अगर बता दूं तो मैं ये कह दूं कि ये एल्केन की जाति को निरूपित करता है। यहां पर जाति से एक बहुत संदर्भित सी बात है कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसका एक सरनेम हो सकता है, तो यहां पर जो एल्केन होंगे तो एल्केन का ये जो एन है ये सरनेम है, यानी जितने भी एल्केन होंगे बेटा उन सभी के नाम के अंत में आपको ये एन वर्ड जो है, एन है ना, ये शब्द आपको सुनाई देता रहेगा। कैसे देगा वो देखिएगा, मैं सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूं और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले मैं जनरल फार्मूला ले रहा हूं CnH2n+2। बच्चों इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हुए मैं यहां पर n के जो संभावित मान है वो मैं रखने जा रहा हूं। मैं n का मान 1 रखता हूं तो मुझे मिलेगा C1H2 × 1+2। बच्चों वैल्यू को सॉल्व करने के बाद फार्मूला क्रिएट हो जाएगा CH4। सिमिलरली C2H2 × 2+2, बच्चों फार्मूला बनेगा C2H6। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों C3H2 × 3+2, तो बच्चों ये हो जाएगा C3H8। नेक्स्ट हो जाएगा C4H2 × 4+2, फार्मूला हो जाएगा C4H10। इसी तरह से हम आगे भी बढ़ाएंगे अपने टॉपिक को और हमारा जो टॉपिक है वो हमको और भी फार्मूले देगा। हमारा अगला फार्मूला निकलेगा बेटा C5H2 × 5+2, तो ये हो जाएगा हमारे पास C5H12। सिमिलरली बच्चों C6H2 × 6+2, फार्मूला जनरेट हो जाएगा C6H14। इसी तरह से C7H2 × 7+2, फार्मूला जनरेट हो जाएगा C7H16। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा C8H2 × 8+2, बच्चों फार्मूला हो जाएगा C8H18। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा C9H2 × 9+2, फार्मूला हो जाएगा बच्चों C9H20। फाइनली C10H2 × 10+2 = C10H22। तो बच्चों इस तरह से क्या किया हमने, 10 कंपाउंड एल्केन के कैसे निकाल लिए वो मैंने आपको बताया। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों और उस पर ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, हमने ये जो एल्केन पढ़े ना, हमको इन एल्केन का आज सामान्य या आम है, ठीक है, वो लिखना सीखना है। साधारण नाम लिखना है हमको, मैं आपको इनके साधारण नाम किस तरह से लिखे जाएंगे वो आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पहला कंपाउंड है मेरा, इस कंपाउंड को आप देखेंगे CH4, जो कि मैंने जर्नल फार्मूले से प्राप्त किया है, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया है, ये एल्केन का जर्नल फार्मूला है, उसका सामान्य सूत्र है। और इससे पहले मैंने आपको दो महत्वपूर्ण चीजें टॉपिक को स्टार्ट करते साथ आपके साथ रखा था, अंक को और मैंने उसके बाद आपको बताया था पूर्व लग्न को। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी कंपाउंड का एल्केन एक तरह का यौगिक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे ये एक यौगिक है। तो बच्चों किसी भी यौगिक का अगर आपको नाम लिखना है तो हमको दो चीजें चाहिए, हमको सबसे पहले चाहिए होता उसका पूर्व लग्न, उसके साथ बच्चों हम जोड़ देते हैं उसका अनुलग्न। तो पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न मिलकर किसी भी कंपाउंड का क्या दे देगा हमको, वो हमको दे देगा उसका नाम। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर कार्बन की संख्या अधिकतम एक है और एक कार्बन को हम कहते थे मेथ, है ना, मैंने आपको बताया था। प्लस एल्केन का जो अनुलग्न है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो क्या है बेटे, एन। तो आप इसके साथ जोड़ देंगे एन, इस तरह से दोनों को जब आप
कनेक्ट करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा सबसे पहले मेथेन, ठीक है। इसी तरह से बच्चों यहां पर जो फार्मूला सेकंड वाला है उसका नाम है C2H6, दो को आप बोलेंगे एथ, हम अगेन बच्चों इसके साथ जोड़ देंगे एन, तो इस तरह से ये पूरा एक फॉर्मेट हमको दे देगा एथेन, ठीक है। फाइनली बच्चों तीसरे वाले को हम बोलेंगे प्रोपेन, फोर्थ वाले को हम बोलेंगे ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट वाले को हम बोलेंगे पेंटेन, उसके नेक्स्ट वाले को हम बोलेंगे हेक्सेन, ठीक है। फिर आ जाएगा बच्चों हमारे पास हेप्टेन, उसके बाद वाला आ जाएगा ऑक्टेन, उसके बाद वाला हो जाएगा नोनेन, और उसके बाद वाला हो जाएगा डेकेन, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने एल्केन के ये 10 जो कंपाउंड हैं उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी ली। बच्चों यहां पर अभी एक छोटा सा वो है, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर लेना चाहता हूं। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि जो एल्केन है, मैंने एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखा, तो आपको बताना चाहूंगा कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी पहचान है कि ये कार्बन कार्बन एकल बंध और कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध रखते हैं। तो यहाँ पर ये दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, तो मेरा उदाहरण नंबर आप पहला बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले उदाहरण में मैं पहले कंपाउंड को ले लेता हूँ CH4 को। तो बच्चों CH4 में कार्बन, ठीक है, उसके चार संयोजकता होती है और वो चार अलग हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इनके बीच में एक एक बंध का संयोजन होता है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाले की संरचना आपके सामने रखूं, तो उदाहरण नंबर दो आपके सामने आ रहा है। उदाहरण नंबर दो देखिए, यहाँ पर एक कार्बन फिर एक दूसरा कार्बन, प्रत्येक कार्बन की जो संयोजकता है बच्चों वो चार होगी। इस तरह से एक हाइड्रोजन उसकी एक संयोजकता, दो हाइड्रोजन उसकी एक संयोजकता, तीसरा हाइड्रोजन उसकी एक संयोजकता। इसी तरह से ये एक हाइड्रोजन एक संयोजकता, नेक्स्ट हाइड्रोजन एक संयोजकता, अगला हाइड्रोजन एक संयोजकता। तो बच्चों इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा और इस तरह से ये जुड़े हुए होंगे, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपके सामने दो बात रखी थी कि इनमें कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन एकल बॉन्ड होता है। तो अब आप मेरे दूसरे एग्जाम्पल में ये चीज समझ पाएंगे कि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है, जबकि सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखिए यहां पर भी एकल बंध बंध पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इसलिए ये बात मैंने आपके सामने पहले से रखी थी और यही एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है।